रही लिस्ट। अरे पर ये तो वो लिस्ट है जो लड़के वालों ने भेजी थी। गौर से देखिए, हर सामान के आगे इनटू 10 लिखा है ना। हाँ पर क्यों? ताकि आपको ख्याल रहे कि लड़के वालों ने जो भी दिया है हम उससे 10 गुना ज्यादा उन्हें देंगे। उन्होंने हमारी निखत को 3 जोड़ी कपड़े दिए हैं, हम 30 जोड़ी देंगे। उन्होंने 1 अंगूठी दी है, हम 10 अंगूठियां देंगे। उन्होंने 1 डिनर सेट दिया है, हम 10 डिनर सेट देंगे। क्यों? हाँ? वो लोग केटरिंग का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। हाय, वो केटरिंग का बिजनेस खोलने वाले हैं? तब तो सारा सामान इस्तेमाल भी हो जाएगा, नहीं? और ये सारी चीजें इनटू 10 क्यों? भाभी ने कहा कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो लड़के वालों ने जो भी दिया है हम उससे 10 गुना ज्यादा देंगे, इसलिए। शिरीन, तुम इन सामान को लेकर ना परेशान मत होना, मैं सब लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अम्मी, ये अगर कहीं जा रही हैं तो इनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दूं मैं? नहीं, मेरा मतलब जब तक ये हमारे साथ रह रही हैं, हमारी जिम्मेदारी। खुदा ना खास्ते ने कुछ हो गया तो इनकी जीजू हमसे सवाल तलब करेंगे, तो आप पूछिए अगर उन्हें गाड़ी की जरूरत है तो। तुम खुद ही पूछ लो। आप कहाँ जा रही हैं? जी, मेरा मतलब अगर आप कहीं जा रही हैं तो क्या मैं आपको छोड़ दूं या गाड़ी का इंतजाम कर दूं? मैं हर जगह अकेली आ जा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। Incredibly foolish. क्या कहा आपने? मैं क्या कहूंगी, कह तो आप रहे थे उस दिन मॉल में कि जिनके घर में आप मेहमान बन के रुकेंगी वो लोग शरीफ और इज्जतदार। ये बात मेरे लिए माननी थोड़ी सी मुश्किल है। यही कहा था ना आपने? मुझे याद है मैंने क्या कहा था। शायद आप भूल गई आपने क्या कहा था। आपने कहा था जिनके घर पे आप रुकी हैं वो भोपाल के सबसे ज्यादा इज्जतदार और शरीफ लोग हैं। अगर मैं उनके घर कभी आऊं तो मुझे पता चलेगा कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके घर में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर से देख के जाना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ कहा था आपने। आह, या अल्लाह, मेरा हाथ कितना दर्द कर रहा है। कल रात को कितनी जोर से दबाया आपने, पता है आपको? बेचारी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। बहुत जोरों से हाथ मोड़ दिया क्या? अम्मी, वो बेचारी नहीं है। अरे, ये सूट देखो कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये लड़कियां इतना डीप कट कैसे पहनती है। वो शायरा है ना, 4 नंबर कोठी वाली, वो पहनती है। पता है हम लोगों ने ना उसका नाम खुली खिड़की रख रखा है। तुम्हें कितनी बार बोला गया कि इस तरह की बातें नहीं किया करते? तो किस तरीके की बातें किया करते हैं? हाँ, जिसमें इमरान मियां का जिक्र हुआ करे। चुप कर। उनका फोन आया, नंबर तो होगा इनके पास। आया उनका कॉल? SMS तो आया ही होगा नहीं? ओके, अगर उनका SMS नहीं आया तो आप कर लीजिए। हाय अल्लाह, कुछ भी बोलती है? हाय अल्लाह, करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे कॉल करो, SMS करो, तभी तो पता चलेगा दोनों में केमिस्ट्री कितनी है। केमिस्ट्री तो अभी बहुत जरूरी है, बाद में आप बायोलॉजी हैंडल कर लोगे ना बाजी? चुप कर।
अब कॉलेज चला जाए। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है? वो हम कॉलेज जा रहे हैं। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बू सब सही है। निखत तुम्हारे सेकेंड ईयर के इम्तिहान कब है? जी अभी तक कोई डेट नहीं आई। तो पता करो, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। हम तुम्हारे निकाह में देर नहीं करना चाहते। पर अब्बू अगर एग्जाम्स लेट हुए तो? निकाह की तारीख हम तय करेंगे, इम्तिहान की नहीं। अगर इम्तिहान देर से होंगे तो निखत इम्तिहान नहीं देगी। वो लेकवी वाले प्रोजेक्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है? सर कुछ फैमिलीज अभी भी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल लीजिएगा। तो सर प्लीज ये टेंडर के फिगर्स चेक कर लीजिए। अकरम तुम तो लंबी छुट्टी पे गए थे, नहीं जल्दी कैसे वापस आ गए? बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं सर निकाह हो नहीं पाया। खैर आप इसको चेक कर लीजिए। हो नहीं पाया मतलब? सर बहुत बुरा हुआ उसके साथ। जिस लड़की से शादी की बात थी वो लड़की निकाह से कबूल नहीं है कहकर भाग गई। शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देती, दो खानदानों की इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी? सर वो सीमेंट सप्लायर से रेट की बात हुई थी, पर वो हमें ज्यादा रेट पर सीमेंट दे रहा है और राशिद खान की कंपनी को कम रेट पे। सप्लायर चेंज करो। मैं उन लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखना जो राशिद खान की कंपनी के साथ डील करते हो। I'm sure we can find someone else. सर हॉट कॉफी एंड वन क्लब सैंडविच। एक्सक्यूज मी मेक दैट टू। तुम यहाँ तक आ गए? तुम्हें पता है ऐसे पीछा करते करते हर जगह सिर्फ छोटे पपीज ही पहुँच जाया करते हैं। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसे पपीज को लड़कियाँ अपने घर पे रख लिया करती हैं। वैसे मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सुनिए मोहतरमा, मेरा नाम आयान है और अब मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। जहां तक रहा सवाल मेरा, तो आप जैसे अजनबी से बात करने मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे आपकी और मेरी शुरुआत थोड़ी गड़बड़ सी हुई थी। एक बार आप हमसे दोस्ती करके देखिए, आपको पता चल जाए कि आयान चीज क्या है। लोग हमेशा मेरे बारे में एक ही बात कहते हैं, यू क्रीप। किसने फेंका? क्यों सिर्फ तुम ही चीजें फेंक सकती हो क्या? मैं नहीं फेंक सकती। तुम ठीक है, तुम ही हो सकते थे। यहाँ भोपाल में जितनी गड़बड़ होती है ना सब तुम करते हो। क्यों फेंका तुमने वो कैन? वाह, सवाल तुम पूछ रही हो, जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। जवाब तुम्हें मिलेगा थप्पड़, वन ऑन ईच चीक। गाल और भी काम में आ सकते हैं मोहतरमा। रियली जूता भी गाल पे खाना है क्या? चुप करो और माफी मांगो। तुम्हारी वजह से गुंडों ने मुझे दो बार पीटा है और मेरे भाई को भी तुम्हारी वजह से चोट लगी। आज तुम्हें सारी हरकतों की सजा मिलेगी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? गलती करो तुम, सजा मुझे मिले। इडियट कहीं का। तूने मुझे इडियट कहा? तुम्हें बुरा लगा? क्यों इडियट की इंसल्ट हो गई क्या? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।